हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज ट्राइड एंड ट्रू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणेश उत्सव चल रहा है और सब पप्पा को मोदक का भोग भी लगाते हैं, तो आज हम बनाते हैं पप्पा के लिए घर पर ही प्रसाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के मोदक। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, जैसे 1 कप बेसन, 1/2 कप दूध, 3/4 कप पानी, 1 कप चीनी चाशनी बनाने के लिए, कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स और 1/2 कप पानी चाशनी के लिए। सबसे पहले बेसन को छान लें। इसमें 1/2 कप दूध डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। जब दूध मिक्स हो जाए तो इसमें धीरे धीरे करके पानी डालें और मिला लें, ताकि एक सेमी थिक बैटर बन जाए और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके हो। एक कढ़ाई में घी गरम कर लें। घी में बूंदी बहुत ही अच्छी बनती है। अब एक झर लें और बेसन डालकर उसे धीरे धीरे टैप करें। झर की हाइट ज़्यादा ना हो। बूंदी को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लें। और फ्रेंड्स, हमारी बूंदी तैयार है। चाशनी के लिए 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी एक पैन में लें और उसे 4 से 5 मिनट तक पकाएं, ताकि एक तार की चाशनी मिले। चाशनी में बूंदी डाल दें और बूंदी को मिक्स करें। अब इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल दें और बूंदी को 5 to 7 मिनट्स के लिए चाशनी में ही छोड़ दें। एक मोदक का मोल्ड लें और मोदक के मोल्ड में बूंदी को भर लें और मोल्ड को 1 मिनट तक प्रेस करके रखें। जब हम मोल्ड खोलेंगे तो फ्रेंड्स, हमारा बूंदी का मोदक तैयार है। सो आज हमने देखा बूंदी के मोदक कैसे बनाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।